दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिरा यूनिवर्सल पर। हम बात कर रहे थे कि बच्चों को कैसे पनिशमेंट देनी चाहिए, और पहले हमने देखा कि तीनों पेरेंट्स ने अपने अलग अलग तरीके से कैसे किया। ऐसी सिचुएशन में थर्ड पेरेंट्स ने कहा कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि 5:45 तक घर पहुंच जाओगे, जब तुम अपने दिए हुए टाइम पर घर नहीं पहुंचे तो उसके बाद मुझे काफ़ी चिंता होने लगती है क्योंकि तुम अब घर देर से पहुंचे हो, इसलिए हम लोगों ने खाना खा लिया है और अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अगर तुम कुछ खाना चाहते हो तो तुम अपने लिए सैंडविच बना सकते हो। और इस सिचुएशन में तीनों पेरेंट्स के एक्शन बताए। चलिए पहले हम आपसे सवाल करते हैं कि तीनों पेरेंट्स में सबसे अच्छा कौन से पेरेंट्स का रिएक्शन अच्छा लगा। बात की जाए तो पहले रिएक्शन की, पहले रिएक्शन में पेरेंट्स ने अपने बच्चे को काफ़ी डरा देते हैं और उसे पनिशमेंट दे देते हैं। दूसरे रिएक्शन में पेरेंट्स ने ना तो बच्चे को पनिशमेंट दी और ना ही उसे आगे के लिए बोंड करते हैं, बल्कि उससे और भी ज़्यादा प्यार से बात करते हैं और उससे खाने के लिए कहते हैं। तीसरे रिएक्शन में पेरेंट्स अपने बच्चे को समझाते हैं कि जब वो दिए हुए टाइम पर घर नहीं पहुँचता तो उन्हें कितनी चिंता होती है, और साथ ही वो यह भी बताते हैं कि अगर तुम घर देर से आओगे तो खाना ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद तुम खुद ही कुछ ना कुछ खाना बनाना पड़ेगा। इन तीनों रिएक्शन में ऑथर ऐसा मानती है कि तीसरा रिएक्शन सबसे ज़्यादा अच्छा था क्योंकि इसमें पेरेंट्स ने अपने बच्चे को पनिशमेंट भी नहीं दी और यह भी समझा दिया कि अगर वह घर लेट आएगा तो उसे क्या नुकसान होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने बच्चे को पनिशमेंट दिए बिना सुधार नहीं ला सकते तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसे दोबारा पनिशमेंट देना शुरू कर दें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बार बार समझाने के बाद भी आपका बच्चा नहीं समझ पा रहा तो आप उसे बैठकर बात कीजिए, और बातचीत के दौरान आपका बच्चा आपसे जो भी वादा करता है उसे एक पेपर पर ज़रूर लिखिए, और उसके बाद अपने बच्चे के साथ बैठकर उससे डिस्कस करें, क्योंकि आपके ऐसा करने से आपके बच्चे की आदतों में सुधार ज़रूर होगा और आप ये सुधार बहुत ही कम दिनों में देखने को मिलेगा। कई बार ऐसा होता है हम अपने बच्चे को ठीक तरह से समझ नहीं पाते, हमें यह है तो पता होता है कि हमारा बच्चा घर लेट आता है और देर से डिनर करता है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो अगर आप अपने बच्चे से इस बात की जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिर वो घर देर से क्यों आता है तो आपको उससे डायरेक्ट नहीं पूछना है कि इतनी देर से घर क्यों आते हो। अगर तुम चाहो तो अपने बच्चे के साथ रोल प्ले कर सकते हो, अलग अलग तरह से खेल के जरिए बच्चे की फीलिंग्स को समझ सकते हो और उसे यह भी समझा सकते हो कि घर देर से आना क्यों गलत हो सकता है। ऑथर ने माँ और बच्चे की कन्वर्सेशन का जिक्र किया है, जब माँ अपने बच्चे से कहती है कि बॉबी बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिसके जवाब में बॉबी कहता है कि हाँ क्या बात करनी है आपको, तो मोम कहती है दरअसल मुझे यह बात करनी थी कि आखिर तुम देर से घर क्यों आते हो, तो वो भी कहता है कि मैंने आपको कहा था कि मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन जब भी घर जाने का टाइम होता है तो उस टाइम मैं बिल्कुल गेम के बीच में होता हूँ और ऐसी सिचुएशन में चाहकर भी मैं घर के लिए नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन शायद आपको पता नहीं है मेरे सारे फ्रेंड भी घर देर से ही पहुँचते हैं, तो मोम कहती है तो इस पर वो भी कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं घर जल्दी नहीं पहुँचना चाहता, लेकिन मेरी घड़ी खराब हो गई जिसकी वजह से मुझे बार बार अपने दोस्तों से टाइम पूछना पड़ता है और कभी कभी मैं टाइम पूछना भूल जाता हूँ जिसकी वजह से मैं लेट हो जाता हूँ। और मोम कहती है बेटा तुम्हें पता है जब तुम घर नहीं पहुँचते तो मुझे कैसा महसूस होता है, तो उस पर वो भी कहता है हाँ मोम मैं जानता हूँ आप टाइम पर घर देखना चाहती हैं। मोम कहते हैं बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मैं तुम्हें टाइम पर घर देखना चाहती हूँ, बल्कि जब तुम लेट हो जाते हो तो मुझे काफ़ी टेंशन हो जाती है। तो वो भी कहता है ठीक है मोम, अगर मैं आगे से घर आने में लेट हो जाऊँ तो आप कभी भी परेशान मत होना। मोम कहती है अगर मैं तुम्हें प्लेग्राउंड से ही पिक करने आ जाऊँ तो तुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी। वो भी कहता नहीं मोम आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता ये कि एक अच्छा आइडिया है, अगर आप मेरी वॉच ठीक करा दें तो मैं टाइम देख कर मैं ठीक टाइम पर घर आ जाऊंगा। मोम कहती है ठीक है मैं तुम्हारी वॉच ठीक करा के देती हूँ, लेकिन ऐसा दूसरी बार हुआ है कि तुम्हारी वॉच ख़राब हो गई है, इसका मतलब तुम्हारी वॉच कितनी बार ठीक करानी होगी। वो भी कहता है मोम लास्ट टाइम, आगे से मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा, इस वॉच को आगे से कभी ख़राब नहीं होने दूंगा, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा
हम साथ में डिनर करने की क्या ज़रूरत है, आप ऐसा भी तो कर सकती हैं कि मेरे लिए ओवन में डिनर रख दें। मोम कहती है, नहीं, तुम्हारे पापा ने कहा है हमेशा साथ में खाना खाएंगे, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ कि डिनर का टाइम हम 15 मिनट ज़्यादा कर दें, ताकि तुम थोड़ा लेट भी घर आओ तो हम साथ में बैठकर डिनर कर सकते हैं। वो भी कहता है, ठीक है मोम, यह ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप डिनर का टाइम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, उसे 6:15 बजे कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं टाइम पर घर आ जाऊँगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, तो आपको भी अपने बच्चे के साथ कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है। इस तरह से आप अपने बच्चे के साथ बैठकर बात करेंगे तो बच्चे को महसूस होगा कि उसके पेरेंट्स उसकी कितनी परवाह करते हैं, उसके बारे में काफ़ी सोचते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप सभी पेरेंट्स अपने बच्चे की परवाह नहीं करते, कि देख रेख नहीं करते। कई बार आप अपने बच्चे को यह महसूस कराना ज़रूरी होता है कि उनके पेरेंट्स उनकी कितनी परवाह करते हैं। जब बॉबी की मम्मी ने उसके साथ बैठकर इस तरह से बात की तो बॉबी के अंदर काफ़ी बदलाव आए। अब 6:15 बजे नहीं बल्कि 6 बजे ही घर पर आ जाता है। इसके अलावा बॉबी के पेरेंट्स को इस बात की भी जानकारी हुई कि वाकई में उसकी घड़ी काफ़ी टाइम से ख़राब थी। उसका एक रीज़न यह भी था कि उसे टाइम का पता ही नहीं चलता था। अगर वो घर पर लेट आता था तो उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसकी घड़ी भी ठीक करवाई और उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आसानी से बिना कोई पनिशमेंट दिए निकाल लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले एपिसोड की ओर, जहां हम बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए को लेकर बहुत सारी बातों को डिस्कस करेंगे। और तब तक दोस्तों मैं विराम लेता हूं और जल्दी आपके सम्मुख आने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।